दोस्तों अभी तक तो हमने बहुत सारी सिटीज और बहुत सारी कंट्रीज को आपस में पूरी तरह से कंपेयर किया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम दो कॉन्टिनेंट्स को पूरी तरह से कंपेयर करेंगे और ये महाद्वीप हैं यूरोप और एशिया। एशिया की बात करें तो जापानीज, कोरियन, चोला, काइमर, ओटोमन, मंगोल, पर्शियन और मुगल साम्राज्य के चलते एशिया पुराने समय में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और एशिया की पावर तो पूरी दुनिया को हर समय डरा के रखती थी। लेकिन उसके बाद मध्यकालीन समय से ही यूरोप की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिसका बड़ा कारण था उस समय यूरोप की आ रही नई टेक्नोलॉजी, और उसी नई टेक्नोलॉजी के चलते ही यूरोप के देश बहुत सारे नए वेपन्स को बना रहे थे, और वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी के चलते ही यूरोप कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्मार्ट बन रहा था और धीरे धीरे ये एशिया को पीछे छोड़ने की कगार पर था। और दोस्तों आखिरकार इसके बाद यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया पर राज किया। आप तो जानते होंगे कि इंग्लैंड, स्पेन, डच और फ्रांस जैसे देशों ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था और एशिया के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा और सभी देशों पर अपनी हुकूमत की, और इसके बाद से ही यूरोप पूरी दुनिया की सुपर पावर बना। हालांकि इससे पहले की बात करें तो हमारा भारत पूरी दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री थी, जिसके बाद समय बीतने के साथ ही यूरोप पूरी दुनिया पर कब्जा करने लगा और उसके बाद आज के दिन तो सिक्का चलता है अमेरिका का। लेकिन ये बात तो यार जाने दो, आज का मेन फोकस है यूरोप और एशिया। इस वीडियो में हम कई क्राइटेरिया को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे, तो चलो यार पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड एरिया की। दोस्तों एशिया का कुल एरिया 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप का कुल एरिया 1,01,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया का छठा सबसे बड़ा। पृथ्वी पर लैंड शेयर की बात करें तो पूरी धरती का 30% हिस्सा तो सिर्फ एशिया है, 6.7% हिस्सा है यूरोप, यानी इस मामले में तो एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह की तो कोई भी कमी नहीं होती एशियन कंट्रीज में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में आपको जगह की काफी कमी देखने को मिलेगी और इसीलिए वहाँ पर रूम का किराया भी ज्यादा होता है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं इनकी कंट्रीज के बारे में। आज के दिन एशियन कॉन्टिनेंट में 48 कंट्रीज आती हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस कंट्रीज के बारे में। एशिया में मौजूद बेहद ही फेमस कंट्रीज हैं रशिया, इंडिया, जापान, चाइना और सऊदी अरब। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यूरोप में कितनी कंट्रीज आती हैं। यूरोप में कुल मिलाकर 51 कंट्रीज आती हैं और यहाँ की बेहद ही फेमस कंट्रीज का नाम है स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और यूके। नेचुरल ब्यूटी से तो ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से भरा हुआ है और आपको नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसी कमाल कंट्रीज यहाँ पर मिल जाएंगी, जहाँ घूमने का भी अलग ही मजा आएगा। और नॉर्वे के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आज तक यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई यहाँ के खूबसूरत नेचर के साथ। चलिए दोस्तों अब जरा जान लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में। एशिया की कुल आबादी है 446 करोड़, जो पूरी दुनिया का 59.66% हिस्सा है। तो वहीं दोस्तों अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ की आबादी है सिर्फ और सिर्फ 74 करोड़, जो पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 9.7% हिस्सा है और ये आबादी तो यार इंडिया से भी काफी ज्यादा कम है। तो यानी आबादी के मामले में तो एशिया इतना ज्यादा आगे है कि शायद आने वाले समय में कई सालों तक भी एशिया में आबादी कम नहीं होगी और यूरोप में शायद 100 करोड़ भी अभी काफी ज्यादा देर के बाद होगी। तो चलिए दोस्तों अब जरा जान लेते हैं एशिया की कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एशिया में इस मामले में चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ईरान और टर्की जैसे देश टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। और टॉप 2 कंट्रीज यानी चाइना और इंडिया तो दो ऐसे देश हैं जहां की पॉपुलेशन 125 करोड़ से भी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों अब यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज को हम जान लेते हैं जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। यूरोप में जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उनके नाम जो सामने आए हैं
वो नाम है रशिया, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, यूके, इटली, स्पेन, यूक्रेन, पोलैंड और रोमानिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी यूरोप की बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन तो 10 करोड़ से भी कम रहती है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि आप कहीं सोचने लगे कि पहले तो हमने बात की थी कि रशिया एशिया में है, इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि रशिया का आधा हिस्सा एशिया में आता है तो वहीं आधा हिस्सा यूरोप में आता है। हालांकि रशिया के ज्यादातर लोग उस हिस्से में बसे हुए हैं जो यूरोप की साइड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जीडीपी की। एशिया की नॉमिनल जीडीपी है 28.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो वहीं यूरोप की जीडीपी है 19.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। देखने को तो लगता होगा कि एशिया की जीडीपी बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां की जीडीपी तो ज्यादा होनी ही है। लेकिन आप जरा एक बार गौर से देखिए, इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यूरोप की जीडीपी लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और इससे ही हमें पता चलता है कि यूरोप विकास में कितना ज्यादा आगे है। चलिए अब जरा बात करते हैं एशिया के 5 ऐसे देशों के बारे में जो जीडीपी के मामले में सबसे ऊपर आते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर जापान, तीसरे पर इंडिया, चौथे पर साउथ कोरिया और 5वें पर नाम आता है इंडोनेशिया का। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में जो ऐसे 5 देश हैं उनका नाम है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और स्पेन। डॉलर के मुकाबले जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 5 करेंसीज हैं एशिया की वो कुछ इस तरह से है: कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार, ओमानी रियाल, जॉर्डियन दिनार, सिंगापुर डॉलर। वहीं यूरोप की 5 सबसे ज्यादा तगड़ी करेंसीज की बात करें तो नाम सामने आता है पाउंड स्टर्लिंग, कायमनून डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक और पॉलिश ज़लोटी। तो चलिए दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं दोनों ही कॉन्टिनेंट्स की फेमस सिटीज। सही सुना आपने, कमाल के शहरों की बात होगी। अब एशिया में आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली, शंघाई, बीजिंग, मुंबई, कराची, बैंकॉक, सियोल, हांगकांग, कुआलालंपुर, ताइपे, मुंबई, मनीला, ओसाका, बेंगलुरु और लाहौर जैसी कमाल की खूबसूरत सिटीज देखने को मिलेंगी। तो वहीं दोस्तों यूरोप में आपको इस्तांबुल, मॉस्को, लंदन, सेंट पीटर्सबर्ग, बर्लिन, मैड्रिड, पेरिस, रोम, बार्सिलोना, एम्स्टरडेम, पराग, वेनिस, फ्लोरेंस, बुडापेस्ट, वियना, एथेंस और इस्तांबुल जैसी हिस्टोरिकल सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। एशिया में आप द पैलेस म्यूजियम, बीजिंग, मैरीन ड्राइव, मुंबई, पेट्रोनस ट्विन टावर मलेशिया, गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल आगरा इंडिया, विक्टोरिया पीक हांगकांग, माउंट एवरेस्ट नेपाल, और इसके अलावा भी दोस्तों न जाने एशिया में कितनी ही खूबसूरत जगहें मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में आप हाइफल टावर पेरिस, कोलोसम रोम, सगर्दा फेमिलिया चर्च बार्सिलोना, ग्रैंड कैनल वेनिस, ग्रैंड बाजार इस्तांबुल, बिग बैन लंदन, स्विस आल्प्स ज्यूरिख, वाटर जेट इन जेनेवा, चार्ल्स ब्रिज पराग और बलूल गून इन ग्रैंड वीक देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ के आखिर कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। और आप तो जानते हैं जिस जगह पर रहने वाले लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, वहाँ पर विकास तो होना ही है। दोस्तों इस इंडेक्स में यूरोप एशिया पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है, और यूरोप का लिटरेसी रेट आज के दिन 99.2% है, जो बेहद ही हाई लेवल पर है। तो वहीं एशिया कॉन्टिनेंट का लिटरेसी रेट 17.22% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही विकास का सबसे बड़ा रीज़न होता है, और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं उस जगह का विकास होना तो पूरी तरह से तय होता है। चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की, यानी यहाँ की एक वुमेन एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। और आप तो जानते हैं अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो कम बच्चों को जन्म देंगे और पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगी, और पॉपुलेशन कंट्रोल रहने से विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर हम यूरोप के फर्टिलिटी रेट की बात करें तो यहाँ का फर्टिलिटी रेट है 1.5
52 यानी यहाँ की एक वुमेन एवरेज तौर पर 1.5 बच्चों को जन्म देती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस इंडेक्स से हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो वहीं अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में एक वुमेन एवरेज तौर पर 2.82 बच्चों को जन्म देती है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हालांकि एशिया में भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म भी नहीं देते, लेकिन कुछ पछड़ी हुई कंट्रीज़ है जहां पर एजुकेशन का लेवल लो है और वहां पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूरोप बढ़िया है या फिर एशिया? मेरे हिसाब से तो दोनों ही महाद्वीपों में ना कुछ कुछ खास बातें हैं और कुछ कुछ कमियां भी हैं। अपनी राय यार आप नीचे कमेंट में ज़रूर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर जुड़ना।